चाल है आप लोगों के। तो आज मैं बना रही हूँ मोमोज। तो मोमोज की रेसिपी तो मैंने आप लोगों को दिया था जब मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था, तो बहुत से लोग शायद नहीं देख पाए। तो कोई बात नहीं, आज फिर से बनाने वाली हूँ और पुलाव भी बना रही हूँ। तो पुलाव की रेसिपी तो डेली व्लॉग में आएगी आप लोगों को। तो दोनों का मसाला एक साथ मैंने तैयार किया है। चिकन तो इधर नहीं, इधर मेरा हाथ उल्टा जा रहा है। चिकन मेरा यहाँ है, मैंने मस्त धो लिया है और धो के अच्छे से एकदम अंदर रख दिया है ताकि उसका थोड़ा मतलब तेल वगैरह भी छूट जाए और क्लीन हो जाए। तीन चार पानी से मस्त क्लीन कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चिकन में वो गंदगी ज़्यादा होती है ना, चमड़ी और चर्बी वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे एकदम क्लीन चाहिए होता है। तो चलिए मोमोज का बताती हूँ, बाकी के तो है ही मसाले। तो और वहाँ मत ध्यान दीजिएगा, अभी बर्तन धोने रखी हूँ, काम बहुत सारा है, आज मेहमान आने वाले हैं। तो मैं डाला है, मैंने इसमें डाला है, आप लोग देख सकते हो, अदरक लहसुन हरी मिर्ची और कोथमीर, ये मैं डाल रही हूँ मोमोज के लिए। इसको मैं पीस लूँगी, तो समझ लो कम से कम एक इतनी बड़ी अदरक, आधा किलो मैंने चिकन लिया है उसमें इतनी बड़ी अदरक, एक अदरक का टुकड़ा बड़ा वाला छील के, और कम से कम 7 से 8 मैंने लहसुन की कलियाँ ली होंगी बड़ी बड़ी, और अपना थोड़ा सा कोथमीर, और कम से कम 6 से 7 होगी हरी मिर्ची। और इसको मैं पीस के अभी पेस्ट बना के रख लूँगी मोमोज के मसाले के लिए, क्योंकि मैं काट के नहीं डालती हूँ, पीस के डालती हूँ, तो उसमें मिक्सअप भी हो जाता है, टेस्ट अच्छा आता है, इसीलिए बनाते हैं। तो ये देखो आतिफा को चटनी तो नहा रही है। क्या बना रहे हो आतिफा? लेकिन ये पुलाव का मसाला पीस रही थी, पुलाव का मसाला पीस रही थी तो वो उड़ गया, उड़ गया पूरा हाँ वाक में गया। हाँ देखो पूरा बदन में नहाई होली है। जाओ यार हटो, आ जाओ जलेगा, आ जाओ शाम को जंपिंग चमा खेल कर आया। तो भी कट रहा है शिमला मिर्च, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, कैप्सिकम और थोड़ा बारीक बारीक काट रही हूँ, अच्छा लगता है। अभी कट रहा है स्प्रिंग अनियन, दिमाग खराब हो रहा है। क्या डाल रहे? तो मैं डाल रही हूँ नमक, नमक ही डालूंगी ना, और थोड़ी कुछ डालूंगी। ये मैदा है, मैंने आधा किलो मैदा लिया स्वाद अनुसार, नमक, ये मैंने मैदा लिया। इसमें नमक स्वाद अनुसार डाला मेरे हिसाब से, थोड़ा डालूंगी घी और थोड़ा डालूंगी तेल, क्योंकि ना घी का हल्का सौंधा टेस्ट चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं, इसीलिए तेल ज्यादा डालूंगी, घी ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा घी वाला इनको पसंद नहीं है, फिर वो घी का अजब टेस्ट आता है। तो खाली हल्का इमोज, ये क्या बोलते हैं इसको जानू, स्मोकी फ्लेवर के लिए हल्का घी डाला है मैंने, बाकी का ऑयल 1 चम्मच, पानी डाल दो, कितना कितना मतलब क्या, गुने जितना पानी डालते हैं ना, कितना क्या थोड़ी भर के डालते हैं। तो ये क्या बन गया सो? डो, मोमोज का डो तैयार है, और सॉफ्टी होना चाहिए, सॉफ्टी सही रहता है, थिक नहीं बनाना ज़्यादा, एकदम कड़क वड़क नहीं रखना भाई। तो अब हम इस डो को ढक के रख देंगे, है कि नहीं, उसके बाद अभी चलते हैं। मेरा मोमोज बनाने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, डिफरेंट है, बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं कच्चा मसाला ये बिल्कुल नहीं डालती हूँ, मुझे थोड़ा बिसेंदा लगता है इसीलिए। तो मैं इसको हल्का पका लेती हूँ, तो मैं अभी इसको पकाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। चलिए मैंने थोड़ा सी 1 चम्मच तेल, क्योंकि मुझे इसको रोस्ट करना है, टोस्ट नहीं है कि नहीं जानू। और मैंने ना क्या किया, इसमें थोड़ा काली मिर्च का पाउडर भी डलता है, तो मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची कोथमीर आपको बताई थी, उसके साथ में थोड़ा काली मिर्च मैंने पीस ली, वैसे भी तो पीसनी पड़ती मुझे, तो मैं ये पूरा तो नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे खाली टेस्ट चाहिए, थोड़ा डालूँगी। तो अभी ये डाल दिया आतिफा ने चिकन, ये पकाने में थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि पिसा हुआ है ना, तो थोड़ा अभी जैसे ही पानी वानी छोड़ेगा, पकने लगेगा ना, तो वैसा हो जाएगा एकदम, मतलब केक कैसा हो जाता ना वैसा, तो इसको तोड़ना पड़ता है। और ये देखिए हमारे घर में तितली आई उड़ के सामने, मम्मा डर गई भाई, बैठिए। हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा नमक, स्वाद अनुसार ध्यान से डालें, ऐसा ना हो जाए कि कहीं इसमें उसमें ज़्यादा, क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला था, तो क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए बस।
तो ये मैंने एक नींबू का रस निकाल के रखा था, ये हम थोड़ा इस पे डालेंगे और इसको डाल के थोड़ा सा भाप दे के पका दूंगी मैं बस। तो ये बन चुका है बली मलाई, डिफरेंट है ना, वाइट वाइट देखो हो गया कैसा। इसको पका इसलिए देती हूँ ना, इसका ना बिसेंदापन है ना, मर जाता है। गिरा तो मैं जितनी भी भाजियाँ हैं जैसे कि कांदा हो गया, स्प्रिंग अनियन भी डाला था मैंने, स्प्रिंग अनियन की भाजी भी रखी मैंने यहाँ पे, गाजर शिमला मिर्च इसमें थोड़ा सा रोस्ट करूँगी फिर इसमें मिक्स करूँगी, तो थोड़ा सौंधी सौंधी मस्त मस्त खुशबू और टेस्ट भी अच्छा रहेगा उसका। शिमला मिर्च, कैरेट, शिमला मिर्च, कैरेट और अनियन, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, सिर्फ 2 मिनट तक रोस्ट करो हल्का सी, थोड़े से 1 चम्मच ऑयल में बस। तो अभी जा रहा है स्प्रिंग अनियन, जा रहा है मतलब कढ़ाई में जा रहा है, हम सोचेंगे कहीं और जा रहा है बोलेंगे। जा रहा है क्या, चला गया। तो अभी मैंने बोला है जा रहा है स्प्रिंग अनियन, तो आप लोग सोचेंगे जा रहा है कहाँ जा रहा है, अरे कहीं नहीं जा रहा है, वो उसको बनने जा रहा है अभी, तो लोग बोलेंगे सभी पकने जा रहा है, बना बना दिए उसको। तो ये भी रोस्ट हो रहा है, जैसे जानू मेरा दिमाग रोस्ट करते है ना रोज, वैसे ये रोस्ट हो रहा है। थोड़ा सा इसमें भी नमक क्योंकि जरूरी है, नहीं तो फीका फीका लगेगा ना, समझते नहीं है तुम लोग। हाँ अभी ये रेडी हो गया, अब इसमें मिला देंगे सबको, देखो कैसा कलर अलग लग रहा है कि नहीं जाने, तो हाथ से निकालना पड़ेगा ना सब मिला के। हाँ हाथ से, वो ठंडा होने के बाद ना, ठंडा हाथ थोड़ा होएगा तो। अब इसी में डालूंगी क्या क्या रह गया जानू, क्या क्या एक चीज क्या रह गई है इसमें, हाँ मुझे क्या मालूम, कोरिएंडर बोलते हैं ना जिसको, अच्छा, ऊपर से ऊपर से हरी धनिया, ऊपर से क्या है ये कहीं पे रखी हूँ काट के, ऊपर से नीचे से क्या मिला दो, खत्म करो, चलो चल के मिलाते हैं वहाँ पे। अभी हमने इसको मिला तो दिया है, देखो मस्त हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ऐसे तो बड़ा चम्मच है मेरे पास तो मैं हिसाब से डालूंगी 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, अब इसके बाद अच्छे से मिला लेना, ठीक है, ये ज़्यादा भी नहीं डालना और ये कम भी नहीं डालना। तो ये रेडी हो चुका है पूरा, इसका मसाला सब मिला के, अब आसिफा ने डो भी रेडी कर लिया है, तो ये आसिफा का बन रहा है, क्या बन रहा है सो, ये मोमो, मोमो बन रहा है, बड़ा बन रहा है, नहीं इस पे क्या बोलते हैं जो बना रहे हैं, ये तो चपाती है मोमोस की, मोमोस की चपाती है फीलिंग, मसाला फीलिंग, फीलिंग बोलते हैं, फीलिंग तो आती है ना अंदर की, जो बोलते हैं ना उसको फीलिंग आती है, अंदर की तो सही बात बोले, अंदर की फीलिंग होती है लेकिन कोई समझता नहीं है, है कि नहीं जानू। तो मैं तो बनाऊंगी, मुझे तो ऐसी डिजाइन वाला पसंद है, गोल्डन मटोल, बाकी आजकल के लोग सब थोड़ा चांद टाइप बनाते लगा है, चांद टाइप बनाते हैं, बट मैं मोमोज ऐसा ही बनाती हूँ जो रियल मोमो होता है उसी के शेप में। तो ये हमारा एक तैयार है, थोड़े बड़े बड़े बना रही हूँ, छोटे छोटे बनाने जाऊँगी बहुत टाइम लगेगा। फोल्ड करते जाओ और कैसे रेसिपी लगेगी जरूर बताना आप लोग कमेंट में, ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी है, बहुत इजी है कि नहीं आसिफा, हां मजेदार है, और वहां पे बनाने में लेकिन हालत खराब हो जाती है, हां वो तो खाली बस ये बनाने में, बाकी सब इजी है, अभी प
लगभग फटाफट जाएगा। और इसकी एक सबसे अच्छी चीज़ मालूम क्या बात, जो मैंने बनाया जैसे अभी आप दूसरा वाला बनाते हो जिसमें आप लोग कच्चा चिकन रखते हैं ना, तो हमको पकाने में बहुत टाइम लगता है पानी में, जब हम उसको स्टीम करते हैं ना तो स्टीमिंग में बहुत टाइम लगता है क्योंकि अंदर चिकन भी कच्चा होता है, मसाले कच्चे होते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम ले लेता है, गैस भी ज़्यादा जलता है। अब ये तो पकाया हुआ है, खाली आपको ये ऊपर का जो इसका बोलते हैं ना फोल्डिंग अपना, ये खाली बस ये पकाना रहेगा आटा, तो आटा पकाने के लिए तो इतना टाइम लेगा नहीं, गर्म गर्म भाप में फटाफट पट जाएगा, 10 मिनट में तैयार हो जाएगा ये मालूम। तो ऐसा किया करेंगे ना तो आपका गैस भी ज़्यादा नहीं जाएगा, टाइम भी बचेगा और जल्दी जल्दी पकेगा, जल्दी जल्दी खाने का। थैंक यू अस्तो बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो आसिफा ने रखा है इसको इडली के डोसे के सांभर पे, छोटा है ना, मुझे क्या मालूम, बड़ा है शायद, बड़ा है, छोटा है। ये गया पहले अंदर एक, इसको मैं पकने दूंगी 10 मिनट, 10 मिनट में ही तैयार हो जाएगा जब तक दूसरा बन जाएगा, फिर उसको पका दिया खत्म। टन 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 टन, मोमोज रेडी हो गया है। इसको निकालूं कैसे, उठाओ ढक्कन उठाओ, गर्मा गर्म। अरे चिमटा नहीं अपने पास, चिमटा कौन सा वाला, तो ये मोमोज रेडी हो चुका है, इसकी चटनी बनी कि नहीं बनी, नहीं अभी चटनी, अरे हां यार ये तो चटनी बाकी है, यहाँ पे ये बाकी है, सब बनना बाकी है, और वहाँ पे तो बहुत सारे भी बियो या वाला भी तल जब बन रही है। तो ये बन रही है मोमोज की चटनी, चटनी तो मैंने खाली ना थोड़ा सा अदरक और लहसुन को ना बारीक बारीक काटा है, पीसा नहीं है काटा है, हरी मिर्ची कोथमीर और टमाटर ढेर सारा अभी मैं पीस रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो पहले की तरह हो जाएगा, उड़ के आएगा आम के। तो ये बन रही है चटनी मोमोज की, आप लोग भी ट्राई करना, बहुत मस्त बनती है घर पे, है ना आसिफा, बोलो, बहुत मस्त बनती है, बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट भी थोड़ा अलग डिफरेंट रहता है, और मैं तो डिफरेंट ही बनाती हूँ। और ये मोमोज भी इधर बन रहा है और इधर पे ये मोमोज भी होने आया रहेगा, जब तक चटनी बनेगी मोमोज भी हो जाएगा। थोड़ा सा नमक, उसका पानी सूखे तक, खाली अब हम डालेंगे सोया, सोया सॉस नहीं है, शेजवान चटनी है, शेजवान चटनी, और साथ ही साथ में एक चम्मच नहीं आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना, सोया सॉस और थोड़ा सा केचप, मेयोनीज डालेंगे, हाँ मेयोनीज भी डालूँगी, क्यों नहीं डालूँगी, ये तो मेन चीज़ है। बटर, बटर बना रहे थोड़ा सा, अभी चटनी चटनी कर रही है, आज वापस चटनी उड़ाई फिर से, ये सेजन चटनी मोमोज की चटनी भी उड़ा दी, बना फिर से, मैंने नहीं उड़ाया वो उड़ी रही है, पता नहीं क्या हो गया है मेरी चटनी, अभी डाल रहे हैं मेयोनीज, तो मिला देंगे अच्छे से पूरा, अच्छे से एकदम मैश कर देंगे। किसने फास्ट किया आज, वही बोल रहा हूँ फास्ट, तुम स्लो करो बोल रहा, तो हाँ तो ये रेडी हो चुकी है चटनी, बहुत मस्त, थोड़ा सा और पकाएंगे 1-2 मिनट, हाँ तब मस्त हो जाएगी, तब मस्त हो जाएगी। आज तो बहुत मज़ेदार रेसिपी मिल गई आप लोग को, बहुत मज़ेदार चिकन और मोमोज तो खा खा के आप लोग का दिल खुश रहेगा, तो बनाओ घर पे ट्राई करो, और कैसा लगा जरूर बताना हमें कमेंट में, है कि ना आसिफा, तो ये मोमोज रेडी हो चुका है।
तीन चपाती मोनू दीदी देखेंगे, मोनू दीदी देखेंगे बोलेंगे बाकी का मोमोज कहाँ गया, तो मैंने नहीं खाया था ना, तो मैंने मतलब कैसा पलट में वहाँ डाल के तो दी थी, तीन ये रह गया था ध्यान में नहीं था, तो समझ लो मैंने मेरे लिए छुपा के रख दिया। तो लोग आए खा के भी गए, अच्छा लगा, अच्छा लगा सबको, मजा आया। खावा सिवा अभी मैं खाऊंगी क्योंकि मैंने खाया नहीं था। बहुत मस्त बनाया है, मजा आ गया। तो खा रहे हैं दोनों के दोनों मोमोज, छेप रहे हैं। मुझे थोड़ा सा खिलाओ एक बाइट। बहुत मस्त बना है, बहुत ही यम्मी है। पहले खा लो। तो आप लोग रेसिपी ट्राई करना, बहुत ही मस्त है, चटनी तो और औसम है, सबको पसंद आई। उन लोग को, उन लोगों ने पुलाव के साथ भी लेकर चटनी खाया, बहुत एंजॉय किया। उन लोगों को दिखाई नहीं क्योंकि रेसिपी वीडियो था, मियानी वाली चटनी। हाँ बहुत मजा आया, आ जाओ पहले ब्लॉग एंड करेंगे फिर खाओ। तो खा पी लिए, बहुत मस्त लगा, एंजॉय किए, देखो सब खा रहे। तो रेसिपी कैसे लगा जरूर ट्राई करना और कमेंट में बताना, और उसका स्क्रीनशॉट मार के मुझे इंस्टा पर टैग करना, मैं स्टोरी पैक जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसी रेसिपीज और मैं तो थक गई आज, तो बहुत थक गई आज, बहुत काम कर रही हूं, कैसा काला पीला हो गया मेरा। तो ऐसी सपोर्ट करते रहना, दुआ करते रहना, लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना और शेयर करते रहना। और आपकी भाभी किसी के जैसा नहीं बनाती, हमेशा हर कुछ डिफरेंट करती है, कुछ अलग होता है। तो मोमोज आपने हमेशा देखे होंगे, आप ट्राई करो मत करो, पर चटनी जरूर ट्राई करना, इट इज ऑसम, इट इज फैबुलस। डिफरेंट हटके चटनी भी मेरी हटके है और बहुत अच्छी लगती है खाने में, मस्त। और मोमोज तो मेरा नहीं खाने वाला इंसान भी खाता है, क्यों? क्योंकि वो मतलब थोड़ा वो कैसा जो बॉइल्ड होता है ना, जब स्टीम में जब हम कच्चा वो डालते हैं उसका मसाला चिकन का, तो वो थोड़ा हल्का पिसेंदा जैसा लगता है ठंडा होने पे। बट ये ऐसा है ना, आप फ्रिज में भी डाल के निकाल के खाओगे ना, बट टेस्ट वैसी के वैसे ही रहेगा, क्योंकि कैसा ये अपने पकाए हैं, इसीलिए पकावे का थोड़ा टेस्ट अलग होता है। तो कोई नहीं, दुआ में याद रखना और ऐसे सपोर्ट करते रहना। तो गाइस अल्लाह, तो मेरे को फॉलो मत करना, भूलना इंस्टाग्राम पे, सपोर्ट करते रहना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज है, मिलना हमको वापिस है, चिंगम खा चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के, लव यू ऑल। और इसी तरह ऐसी चटनी पीसना, पूरी चटनी उड़ा देना, घपर घपर आंख पे लगा देना, उड़ाना तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बाय, लव यू ऑल, सपोर्टिंग।